हेलो दोस्तों, वेलकम टू GearFliQ। कई लोगों को ये जान के हैरानी होती है कि रॉयल एनफील्ड एक इंडियन नहीं बल्कि ओरिजिनली एक ब्रिटिश ब्रांड है। दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक रॉयल एनफील्ड की स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी जानेंगे कि ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी एंड कीप वॉचिंग GearFliQ। रॉयल एनफील्ड को अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, कोई इसे एनफील्ड कहता है, कोई बुलेट तो कोई बुल्ट। लेकिन रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है 1901 में, यानी 1901 में, जब एक सुई बनाने वाली कंपनी, आपने ठीक सुना, एक सुई बनाने वाली कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। तो इस कंपनी के ओनर्स चेंज होते रहे और ईडी नाम के एक व्यक्ति ने रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के साथ मिलकर बनाई न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी, जो एनफील्ड नाम की जगह में सिचुएटेड थी। इस कंपनी ने 1901 में मोटरसाइकिल्स बनाए, इसके पहले ये साइकिल्स बनाती थी, और फिर मोटरसाइकिल्स के साथ साथ 1902 में इस कंपनी ने कार्स भी बनाए, लेकिन हम मोटरसाइकिल्स की बात करेंगे। जो पहली मोटरसाइकिल बनी थी ये 239 सीसी की थी और इसके बाद इस कंपनी ने और भी कई सारे मॉडल्स बनाए। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इस कंपनी ने मोटरसाइकिल्स सप्लाई किए। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1946 में इस कंपनी ने पहली 350 सीसी की मोटरसाइकिल बनाई और यहीं से शुरुआत हुई बुलेट की। बुलेट 350 सीसी में आने लगी और उसके बाद 500 सीसी में भी लॉन्च हुई। 1950s में इंडियन गवर्नमेंट को एक मोटरसाइकिल की तलाश थी और उन्होंने चुना रॉयल एनफील्ड को अपने आर्मी और पुलिस के लिए, और एक नई कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था मद्रास मोटर्स, जो रॉयल एनफील्ड के कोलैबोरेशन में बनी थी। इस कंपनी ने बुलेट 350 को इंडिया में असेंबल करना शुरू किया और 1960s में इंडिजिनियसली ये मोटरसाइकिल यहाँ बनने लग गई, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश रॉयल एनफील्ड ने भी नए मॉडल्स बनाना शुरू किया। दो नए मॉडल्स बनाए जिनका नाम था मीटियोर और कॉन्स्टलेशन, और ये ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स थी। इनफैक्ट 700 सीसी की जो रॉयल एनफील्ड कॉन्स्टलेशन थी, इसे सबसे पहली सुपर बाइक भी कहा जाता है। 1960s में कंपनी ने कॉन्टिनेंटल जीटी कैफे रेसर मोटरसाइकिल भी लॉन्च की। 1960s में ही जैपनीज कंपटीशन काफ़ी हावी हो गया था और इसे काउंटर करने के लिए एक ज़बरदस्त दमदार मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी, और तब रॉयल एनफील्ड ने बनाई इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर 632 और 796 सीसी में अवेलेबल हुई और ये मेनली बनी थी यूएस मार्केट के लिए। यूएस मार्केट्स में बड़े कैपेसिटी की बाइक ज़्यादा चलती थी और ये वहीं पर लॉन्च की गई। देखते ही देखते इंटरसेप्टर यूएस में बहुत पॉपुलर हो गई, लेकिन मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बना पाई क्योंकि सप्लाई के बहुत सारे इश्यूज थे। फाइनली 1970s में ब्रिटिश रॉयल एनफील्ड बंद हो गई। इंडिया में 1950s, 60s, 70s और 80s में बुलेट बहुत पॉपुलर रही। लोग इसे अपनी रोबस्टनेस के लिए खरीदते थे और इसे एक शान की सवारी भी कहा जाने लगा। ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान, ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। जिंदगी बुलेट के अलावा भी कंपनी ने कई अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए और उनमें से एक थी 175 सीसी की मोटरसाइकिल, जिसे मिनी बुलेट भी कहा जाने लगा। उसके बाद कंपनी ने एक मोपेड भी लॉन्च की सिल्वर प्लस नाम की, और एक और 175 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च की जिसका नाम था एनफील्ड फ्यूरी, और ये इंडिया की पहली मोटरसाइकिल थी जिसमें एलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक भी आते थे। लेकिन ये मॉडल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए और बुलेट ही कंपनी का प्राइम प्रोडक्ट रहा। लेट 80s में कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू गुजर रही थी और तब आइशर मोटर्स ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। 1990s में एक नई जान आ गई रॉयल एनफील्ड में और काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स और नए मॉडल्स बनाना कंपनी ने शुरू किया बुलेट के ही शैसी और इंजन पर। सबसे पहले आई बुलेट इलेक्ट्रा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन था। उसके बाद आई मैचिस्मो, जिसका लुक थोड़ा अलग था और क्रोम का यूजेज इस बाइक में बहुत था। इस बाइक में एक नया इंजन भी आया जो लीन बर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना था और इसे ऑस्ट्रिया की कंपनी AVL ने बनाया था, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। कंपनी ने इसके बाद टूरिंग के ऊपर ध्यान दे के एक बाइक निकाली जिसका नाम था सिटी बाइक। बाद में इस बाइक का नाम चेंज होके बना लाइटनिंग 500 और उसके बाद इसी पे बनी थंडरबर्ड। 2000s में एक और चेंज आया
अब बुलेट का जो गियर सिस्टम था ये थोड़ा सा अलग था, राइट हैंड साइड पे इसका गियर हुआ करता था। तो 2000s में कंपनी ने इसको चेंज किया और जो कन्वेंशनल सिस्टम है लेफ्ट साइड पे गियर होने का, इसे इंट्रोड्यूस किया बुलेट में। लेकिन जो बुलेट के चाहने वाले थे, जो प्योरिस्ट थे, उन्हें ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो कंपनी ने सिर्फ एक्सपोर्ट मॉडल्स में ही इसे राइट साइड पे रखा, यानी ब्रेक को राइट साइड पे रखा और गियर को लेफ्ट साइड पे रखा। और इंडिया में ये ट्रेडिशनल सिस्टम से ही ये बाइक्स बिक रही थी। 2007 में कंपनी ने एक नया इंजन बनाया जिसे UCE यानी यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन कहते थे। ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड यूनिट था और पुरानी बुलेट के इंजन से काफ़ी अलग था। ये इंजन ज़्यादा रिलायबल भी था और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी था। इनफैक्ट ये इंजन ज़्यादा हल्का भी था। इसी इंजन पे कंपनी ने क्लासिक 350 और क्लासिक 500 लॉन्च की और थंडरबर्ड में भी यही इंजन्स आने शुरू हो गए। रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल्स पॉपुलर होते गए, खास तौर से यंगस्टर्स में भी, और इनके एक्सपोर्ट्स भी अब बढ़ने लग गए थे। एक अहम भूमिका निभाई थी इसमें रॉयल एनफील्ड की कम्युनिटी बिल्डिंग में। 1997 में ही कंपनी ने फर्स्ट ऑफिशियल बुलेट क्लब लॉन्च किया था और इसके बाद कई सारे प्राइवेट क्लब्स बनना शुरू हुए ऑल ओवर इंडिया। इन क्लब्स और कम्युनिटीज़ की वजह से रॉयल एनफील्ड का नाम और भी पॉपुलर हो गया और कई लोग और भी इस ब्रांड से जुड़ने लगे। ये एक मेजर रीज़न था कि रॉयल एनफील्ड के सेल्स में एक सर्ज आया। 2014 में एक और मुकाम हासिल किया इस कंपनी ने जब रॉयल एनफील्ड ने 300,000 मोटरसाइकिल्स बेचे एक साल के अंदर, और इसी दौरान कंपनी ने हार्ली डेविडसन को भी ओवरटेक कर दिया ग्लोबल सेल्स में। रॉयल एनफील्ड अब ग्लोबली पॉपुलर होने लगी और 2015 में कंपनी ने कॉन्टिनेंटल GT कैफे रेसर लॉन्च की जो 1960s के बाइक पर आधारित थी। उसके बाद 2016 में आई रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो एक एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल थी और इसमें एक नया इंजन आया जो 410cc का था। हिमालयन एडवेंचर टूरिंग कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हो गई और इसे एक प्रैक्टिकल टूरिंग बाइक के तौर से लोगों ने पहचाना। 2018 में एक और बदलाव आया जब इंडियन रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल बनाई और इसका नाम रखा गया इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर एक 650cc की मोटरसाइकिल थी जो ट्विन सिलेंडर की थी और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल GT भी इसी इंजन के साथ लॉन्च हुई। पूरी दुनिया ने नोटिस किया कि एक ट्विन सिलेंडर 650cc भी महज 300,000 रुपए में अवेलेबल हो सकती है। इस बाइक की खास बात यह थी कि जो रिफाइनमेंट था इस इंजन का, ये पहले कभी भी किसी रॉयल एनफील्ड के बाइक में नहीं देखा गया था। बुलेट सबसे लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहने वाली मोटरसाइकिल है। लगभग 70 सालों से ये कंटिन्यूसली प्रोडक्शन में है और आज भी बनती है और उतनी ही पॉपुलर भी है। रॉयल एनफील्ड एक इवॉल्विंग कंपनी है और आने वाले समय में काफ़ी सारे नए इंटरेस्टिंग मॉडल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इनका BS6 का लाइनअप ऑलरेडी रेडी है और बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ मोटरसाइकिल्स ही नहीं बनाए बल्कि उन मोटरसाइकिल्स का लुत्फ कैसे उठाते हैं ये भी लोगों को बताया है। कम्युनिटी बिल्डिंग के द्वारा रॉयल एनफील्ड ने मोटरसाइकिल कम्युनिटी को बहुत प्रोत्साहित किया और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनाया है इस कंट्री में। रॉयल एनफील्ड एक मोटरसाइकिल ब्रांड ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया है और इसी इमोशन से लोग जुड़ते हैं और इस ब्रांड को पसंद करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और GearFliQ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है रॉयल एनफील्ड के बारे में।